आज बात करते हैं Realme C11 और Realme C2 के बारे में कि इनमें से कौन सा डिवाइस बेहतर रहेगा। क्या Realme C11 वाकई Realme C2 का अपग्रेड वर्जन है या अभी भी कई सारी कंडीशन में Realme C2 बेहतर परफॉर्म करता है। सबसे पहले बात करेंगे प्राइसिंग की, तो Realme C11 में आपको एक ही वेरियंट मिलेगा, 2GB रैम, 32GB इंटरनल मेमोरी, प्राइस है 7500 रुपये यानी कि 7500। वहीं बात करें Realme C2 के बारे में तो यहाँ आपको मिलते हैं 3 वेरियंट, प्राइस कम ज़्यादा हो रहे हैं। करंट प्राइस की बात करें तो सबसे छोटा वेरियंट यानी कि 2GB रैम 16GB इंटरनल मेमोरी Realme C2 का इस समय मिल रहा है 6500 का। उसके बाद आएगा 2GB रैम 32GB इंटरनल मेमोरी जिसका प्राइस है 7000 रुपये। तीसरा वेरियंट आएगा 3GB रैम 32GB इंटरनल मेमोरी जिसका प्राइस है 7500 रुपये। तो अगर प्राइसिंग को यहाँ कंपेयर करें तो उस कंडीशन में Realme C2 Realme C11 से सस्ता है। तो चलिए इस कंपेरिजन में आगे बढ़ते हैं डिजाइन की तरफ। बात करें अगर डिजाइन की तो कुछ ये डिजाइन देखने को मिलता है Realme C11 और Realme C2 दोनों ही डिवाइसेस का डिजाइन भाई यहाँ एकदम अमेजिंग है। दोनों ही बैक पर रफ फिनिश के साथ आते हैं। Realme C2 काफी टाइम से आ रहा है तो हो सकता है आप इस डिजाइन के यूज टू हो गए हो, क्योंकि पहले भी ओप्पो Realme के कई डिवाइस में डायमंड कट फिनिश देखने को मिला था, लेकिन Realme C11 यहाँ एकदम यूनिक और नए डिजाइन के साथ आया है। ओवरऑल डिजाइन के मामले में दोनों ही एकदम अमेजिंग है। Realme C2 में आपको छोटा डिस्प्ले मिलता है यानी कि 6.1 इंच का डिस्प्ले मिलता है, C11 में आपको मिलता है 6.5 इंच का डिस्प्ले। इस वजह से Realme C2 C11 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, बहुत ही छोटा सा डिवाइस है, आप सिंगल हैंड से बड़े आराम से इसे यूज कर सकते हो। स्लिमनेस की बात करें तो C11 का स्लिमनेस है 9.1 mm, वहीं Realme C2 का है 8.5 mm। वेट की बात करें तो C2 का वेट है 166 ग्राम और वहीं C11 का है 196 ग्राम। यानी कि अगर आपको बड़े डिवाइस पसंद है तो C11 आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन एक कॉम्पैक्ट डिवाइस चाहिए तो उस कंडीशन में C2 का डिज़ाइन आपको जरूर पसंद आएगा। बात करें अगर डिस्प्ले की तो C11 में आपको मिलता है 6.5 इंच का HD+IPS डिस्प्ले, वहीं C2 में आपको मिलता है 6.1 इंच का HD+IPS डिस्प्ले। अब दोनों में ही आपको मिलता है IPS डिस्प्ले यानी कि कलर्स आप यहां देख ही सकते हो, कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, दोनों ही डिस्प्ले पर आपको सेम कलर्स देखने को मिलते हैं। ब्राइटनेस की बात करें तो वहाँ Realme C2 का डिस्प्ले मुझे थोड़ा सा ब्राइटर लगता है एज़ कम्पेयर टू Realme C11, हालांकि C2 के डिस्प्ले का PPI भी Realme C11 से ज़्यादा है। तो अगर आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो Realme C11 का डिस्प्ले आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा बेहतर डिस्प्ले चाहिए तो C11 से ज़्यादा बेहतर डिस्प्ले मुझे Realme C2 का लगा। बाकी का डिफरेंस आप यहाँ देख ही सकते हो, कोई खास डिफरेंस आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता, दोनों पर ही आपको एग्जैक्ट कलर देखने को मिलते हैं। UI फीचर्स की बात करें तो Realme C2 में आपको मिलता है कलर ऑपरेटिंग सिस्टम, C11 में आपको मिलता है Realme का UI। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, मतलब लुक एंड फील के मामले में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर ज़्यादातर फीचर्स और यूजर इंटरफेस दोनों का ही सेम है। फीचर्स की बात करें तो उस कंडीशन में C11 थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, ज़्यादातर फीचर्स दोनों में ही सेम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि दोनों में ही आपको स्प्लिट स्क्रीन दिया गया है, गेम स्पेस आपको दोनों में मिल जाता है, ऐप क्लोनर आपको दोनों में मिल जाता है। इसके अलावा दोनों में ही आपको डिजिटल वेल बींग भी दिया गया है, सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉकिंग सिस्टम आपको दोनों में मिल जाता है। ये है आपका क्विक एक्सेस पैनल, जहाँ पर आपको बहुत छोटे से डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि Realme C11 में आपको मोड्स मिल जाते हैं, फोकस मोड, इसके अलावा डार्क मोड आपको यहाँ मिल जाता है Realme C11 में, कुछ ये फीचर्स आपको Realme C2 में देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर भी आपको दोनों ही डिवाइसेस में देखने को मिल जाता है, तो थोड़ा बहुत लुक एंड फील का ही फ़र्क है, फीचर्स का इतना बड़ा फ़र्क आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। अगर कैमरे की तो दोनों ही डिवाइसेस में रियर पर आपको मिलता है डुअल रियर कैमरा सेटअप। सबसे पहले बात करते हैं C11 के बारे में, तो यहाँ पर रियर पर प्राइमरी कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, अपर्चर साइज है 2.2, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। फ्रंट पर आपको यहाँ मिलता है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसका अपर्चर साइज है 2.4। C2 की बात करें तो यहाँ भी फ्रंट पर 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, अपर्चर साइज है 2.0। रियर पर यहाँ भी आपको सेम 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, अपर्चर साइज है 2.2, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। कैमरा फीचर्स की बात करूँ दोनों ही डिवाइसेस में ऑटो मोड, प्रो मोड, पैनोरामा मोड और पोर्ट्रेट मोड, रियर और फ्रंट दोनों के लिए आपको दोनों ही डिवाइसेस में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोनों ही डिवाइसेस में आपको स्लो मोशन का ऑप्शन भी दिया गया है। नाइट में फोटोग्राफी के लिए Realme C11 में आपको नाइट मोड भी मिल जाता है, जो कि आपको C2 में देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस से आप फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया है, Realme C2 वर्सेस Realme C11 कैमरा कंपैरिजन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप वो वीडियो देख सकते हो। इन शॉर्ट बात करें तो ये हैं कुछ कैमरा सैंपल जो मैंने Realme C2 और Realme C11 से कैप्चर किए हैं। ज़्यादातर कंडीशन मुझे यहाँ Realme C2 का कैमरा Realme C11 से बेहतर लगा। सबसे पहले कलर प्रोडक्शन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो Realme C2 के पिक्चर्स में आपको ज़्यादा बेहतर कलर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू Realme C11। डिटेलिंग के मामले में भी Realme C2 Realme C11 से बेहतर परफॉर्म करता है।
रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो दोनों का ही एज डिटेक्शन एकदम कमाल का है, लेकिन रियलमी सी टू में थोड़ा सा रेड कलर ओवर सैचुरेशन का इश्यू होने की वजह से स्किन टोन थोड़ी सी अजीब शो होती है, लेकिन सेम कंडीशन में रियलमी सी इलेवन बेहतर परफॉर्म करता है। लेकिन रियलमी सी टू में बैकग्राउंड ज़्यादा ब्लर होता है, इस वजह से पिक्चर्स पोर्ट्रेट मोड के ज़्यादा बेहतर लगते हैं रियलमी सी टू के एज कम्पेयर टू C11। फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ आप दोनों ही डिवाइसेस की सेल्फी देख सकते हो, दोनों ही डिवाइसेस यहाँ अच्छा परफॉर्म करते हैं और यहाँ भी रियलमी सी टू में थोड़ा सा रेड कलर ओवर सैचुरेशन का इशू देखने को मिलेगा, इस वजह से कभी कभी आपको काली काली स्किन टोन देखने को मिल सकती है, लेकिन सेम कंडीशन में रियलमी सी इलेवन बेहतर परफॉर्म करता है। दोनों ही डिवाइसेस के फ्रंट कैमरे का एज डिटेक्शन एकदम कमाल का है। इसके अलावा एक चीज का डिफरेंस और देखने को मिलेगा कि रियलमी सी इलेवन से आप थोड़ी सी वाइडर सेल्फी ले सकते हो एज कम्पेयर टू रियलमी सी टू। लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो यहाँ रियलमी C11 C2 के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। रियलमी C11 में आपको लो लाइट में ब्राइटर फोटोज देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू रियलमी C2, लेकिन रियलमी C2 के पिक्चर्स में आपको नॉइज कम देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू रियलमी C11। इसके अलावा C11 में मिलने वाला नाइट मोड बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। रियलमी C11 में नाइट मोड होना और ना होना बराबर है, तो जो भी डिफरेंस आपको लो लाइट में देखने को मिलेगा वो ऑटो मोड पर ही रहेगा, नाइट मोड का यहाँ रियलमी C11 में कोई भी फायदा आपको होने वाला नहीं है। हार्डवेयर की बात करें तो रियलमी C2 में आपको मिलता है Helio P22 प्रोसेसर, वहीं रियलमी C11 में आपको मिलता है Helio G35 प्रोसेसर। बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, दोनों ही डिवाइस में GPU भी आपको सेम मिलता है, पावर VRGE8320। बाकी का ये है N2 बेंचमार्क स्कोर्स, और अगर यहाँ स्कोर्स पर नज़र डालें तो कॉमन यूज और मल्टीटास्किंग में आपको इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, दोनों ही डिवाइसेज यहाँ लगभग सेम परफॉर्म करते हैं, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस में रियलमी C11 रियलमी C2 से ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा जो मैंने पबजी का टेस्ट डाला था रियलमी C2 और C11 का, वहाँ भी क्लियरली है कि रियलमी C11 पर आप पबजी लाइट ज़्यादा स्मूथ तरीके से प्ले कर सकते हो एज कम्पेयर टू रियलमी C2। तो हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ आपको वाकई अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा। बैटरी की बात करें तो रियलमी C11 में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी, और वहीं रियलमी C2 में आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी, और बैटरी बैकअप के मामले में भी रियलमी C11 रियलमी C2 से बेहतर है। तो यही था मेरा रियलमी C11 और रियलमी C2 के बीच ओवरऑल फुल कंपैरिजन। ₹500 महंगा है रियलमी C11, लेकिन उसके बदले में आपको कई सारे अपग्रेडेशन देखने को मिलते हैं, सबसे पहले डिस्प्ले का, बैटरी का, इसके अलावा हार्डवेयर में भी आपको अपग्रेडेशन देखने को मिलता है। पबजी जो कि काफ़ी पॉपुलर गेम है, जनरली लोग प्ले करते हैं, तो पबजी लाइट भी यहाँ आपका रियलमी C11 पर स्मूथ तरीके से चल जाएगा एज कम्पेयर टू रियलमी C2। इसके अलावा कैमरे की बात करें तो वहाँ ज़्यादातर कंडीशन में रियलमी C2 बेहतर परफॉर्म करता है, लेकिन रियलमी C11 का कैमरा भी इतना बुरा नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, आप देख रहे हो फोन इन दी, अगला वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।